आप सभी, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, कुछ नया कुछ खास करते हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ बीरो खाल। बीरो खाल क्यों जा रही हूँ आपको बताती हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे पूजा चल रही है तो किसी की, तो मतलब जो हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मान्यता देवी देवताओं की है, तो जो उनकी देवी देवताएं हैं तो वो कहीं और से मतलब यहाँ ला रहे हैं, यहाँ पे स्थापित करेंगे वो डुमेला मल्ला में अपने यहाँ पे। तो उन्होंने हमें बोल रखा है कि आप देवता को न्यूतने आना बीरो खाल में, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं लोग कितने आते हैं कितने नहीं आते, क्योंकि आजकल काज काम का टाइम है तो लोग घास के लिए जा रखे हैं। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, मम्मी जा रखी है घास के लिए, तो मम्मी ने बोला तू चले जाना तो मैं जा रही हूँ। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि बैंड आ रखा है, ढोल दमाऊ रहता तो ज़्यादा बेस्ट था। तो अभी मैं उनसे पूछूंगी कि ढोल दमाऊ क्यों नहीं मंगवाए, बैंड बाजे क्यों मंगाए। तो चलिए आज आगे देखते हैं, आप भी देखो। ओके तो चलते हैं हम बीरो खाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं हम। दोस्तों अब जा रहे हैं बीरो खाल मार्केट, तो लेडीज ग्रुप तो कोई नहीं आई, अभी जेंट्स ही जा रहे हैं सारे आगे से। सूजा मैं ना गास करना खन चल गई, बस इधर गई लेडीज रहा शायद। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, बीरो खाल में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं बीरो खाल में, अब गाड़ी से देवता को बाहर निकालेंगे और उसके बाद चलेंगे घर की ओर। अरे हैसले दी, अरे हसलो खरगोश हसलो, बाबूर भाई हसी 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 हसी। दोस्तों आगे से चली गई है लाल निशान, जो कि हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है ढोल दमाऊ और निशान को। Thank you.
माता दी, जय माता, जोर से बोलो, बोला दी, जय माता की, जय माता, जय माता की, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, तो दोस्तों मैं आ गई हूँ। और क्या बोलते हैं कि क्या हुआ, जो मैंने आपको बोला ना कि बैंड थे, तो पहले उन्होंने ढोल दमाव कर रखे थे, बट वो लोग आए नहीं, इस वजह से मार्केट तक जाने के लिए उन्होंने फिर बैंड किए कि ऐसे कहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से उन्होंने बैंड बंद कर दिए थे। उसके बाद जो कि डमरू होता है, थाली और डमरू, कांसे की थाली, तो वो बजाया, तो इसीलिए ढोल दमाव। तभी तो मैंने कहा ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि देवी देवताओं में बैंड बजे, पर उस वजह से क्योंकि ढोल दमाव वालों को बोला था, वो कहीं और चले गए, वो आए नहीं, तो गलती तो ढोल दमाव वालों की है, बाकी तो अच्छे से हो गया। और कल है वहाँ पे भंडारा। और आज के व्लॉग में इतना ही, यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आपको पता, गलती से ना मेरा जो आज वाला ब्लॉग डालूंगी मैं एडिट करके, वो आधा पीछे का ब्लॉग ना डिलीट हो गया गलती से। मेरे को बहुत ही, क्या ही बोलो, अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो वो पीछे वाला यार, तो जितना भी डिलीट हो गया आप उसे वापस तो ला नहीं सकते, तो मैंने जितना बना रखा है मैं वो पूरा डाल दूंगी। तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छा ब्लॉग था यार, पीछे का तो डिलीट ही हो गया। और कालू के साथ था जो, वो तो क्योंकि वो भी चली गई है मेरी खान, तो अभी है नहीं, तो आजकल अब मैं अकेले ही हूँ कल से। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो मेरे चैनल पे नए हैं। और आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, फिर कल मिलेंगे भंडारे में आपको। जय जय माता दी।